टोल पाठवायचा आहे, स्कोरर जवळ पाठवायचा आहे. अंपायर सामना चालू करू नये, तुर्तास थोडीस विश्रांती घ्या. दोन्ही संघाचे प्रतिनिधी इथे हजर नाहीत स्कोरर बोर्ड जवळ. सर्व संघाने एक विनंती घ्या. कि आपण ही मॅच एक लाईव्ह बघू शकतो, त्यामुळं इथं प्रत्येक संघाचे प्रतिनिधी असणं गरजेचं आहे. संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवला जातो, त्यामुळं प्रत्येक खेळाडूचं गोलंदाजाचं नावं आवश्यक आहेत ह्याची कृपा करून नोंद घ्यायची आहे. पहिली गेंद मॅच सुरू हो चुकी आहे. पहिली गेंद यहां पर बल्लेबाज है. अंपायर एक मिनिट, अंपायर एक मिनिट थांबवा मॅच. ओके थैंक यू अंपायर. मैच की शुरुआत यहां पर. दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार. स्ट्राइक पे है नयन सत्वे, हार हिटर के रूप में जाने जाते हैं. एक डायरेक्ट हिटता है यहां पर. बड़ी अपील जरूर हुई थी, अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं. आसानी से बल्ला क्रीज के अंदर आ चुका था. डायरेक्ट हिट यानी कि धक धक बढ़ती है दिल की. तो निश्चित रूप से अरुण पाड़ावे को पहली गेंद पे ये एक जोखिम भरा रन मैं कहूंगा, क्योंकि आवश्यकता नहीं थी ऐसे बल्लेबाज को, क्योंकि अंतरगांव में निजामपुर विभाग में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में जिसका नाम लिया जाता है उसमें सर अरुण पाड़ावे, जैसे कि सर डॉन ब्रैडमैन, लिटिल मास्टर. या संदीप बहुत बढ़िया फील्डिंग. लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, मास्टर मास्टर सचिन तेंदुलकर जैसे नाम रखे गए, वैसे ही हमारे इस निजामपुर विभाग के सर अरुण पाड़ावे. जिस तरह से एनपीएल 1 के अगर आप याद करोगे तो इस अरुण पाड़ावे ने पूरी इनिंग पूरी टूर्नामेंट में एक शानदार पारी खेली थी. खूबसूरत गेंदबाजी की थी. बेहतरीन शॉट इस बार कवर के ऊपर से खेल दिया. कवर ड्राइव, चार रन आते ही शुरुआत किया है. चार रन की सहायता से स्कोर को बढ़ा दिया है 5 रन. क्या संदीप यहाँ पे अपने इरादे बता दिए हैं सालवी डायमंड्स ने? इरादे यहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप जिस सोच से आए हैं उस सोच के ऊपर काफी निर्भर रहता है. सम्मान, अच्छी गेंद का सम्मान देते हुए 1 रन, ये एक बड़े बल्लेबाज की पहचान होती है. पहले गेंद पर 4 रन लिए, फिर अच्छी गेंद यहाँ पर मिली, उसका सम्मान रखा, ये एक बड़ी बल्लेबाज की पहचान होती है. जिस तरह से अरुण पाड़ावे द्वारा नजर आई, निश्चित रूप से 4 रन आने के बाद स्ट्राइक चेंज किए. अक्सर स्ट्राइक चेंज करना भी एक बड़ी उपलब्धि माने जाती है, क्योंकि जो दबाव होता है एक बल्लेबाज के ऊपर वो अक्सर कम हो जाता है. गैप ढूंढने में कामयाब यहाँ पर. कवर के बिल्कुल बीच में 4 रन यहाँ पर. नयन सत्वे से बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका. जब बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था यहाँ पे कवर की दिशा में 4 रन के लिए. आप फील्डिंग पोजीशन के देखोगे तो बहुत बढ़िया फील्डिंग जा जाएगी यहाँ पर. गेंदबाजी पूरी ऑफसाइड में होने वाली है, क्योंकि आप ऑफसाइड की अगर फील्डिंग पोजीशन देखोगे तो स्लिप के साथ साथ सिली पॉइंट कवर में भी फील्डर रखा गया है. और फील्डिंग देखते हुए लेग साइड में शॉट खेल दिया है 4 रन के लिए. माफ कीजिएगा, जिसकी हम पहले शुरू में अरुण पाड़ावे द्वारा एक गलती हुई थी कि जरूरत नहीं थी रन लेने की, लेकिन वो उस वक्त वो भाग्यशाली रहते. इस बार भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, इस गलती का उन्हें मुआवजा देना पड़ा, भुगतना पड़ा, नतीजा यहाँ पर भुगतने पड़ा. हेलो
एक मिनट ऐ तरा साइड लाव ना इथून प्लीज ते वायर वगैरे हलतायत ना इथं डिस्टर्ब होते साइड लाव ना इथे नका तुम्ही थांबू ना साइडला जा पहला झटका यहां पर लगता हुआ अगर इस तीन मैच का हमारे स्कोरर मित्र के वैसे एक रिकॉर्ड आया है कि अगर तीन मैच के अगर आप देखोगे तीसरी मैच है जिसमें पहली ओवर में 11 रन आए हैं ये तीसरी मैच है इस तीसरी मैच में भी पहले ओवर में 11 11 11 रन यानी आज का शुभ अंक मैं कहूंगा 11 है पहली ओवर में जो रन चेसिंग में 11 रन बनाता है वो उसका नतीजा भी हमने देखे कि क्या हुआ है उनका क्योंकि पैंथर हार गई थी यहाँ पर सुप्रीमो सिक्सर हार गई थी अब सालवी डायमंड ने 11 रन पहले ओवर में बनाए एक विकेट के नुकसान पर तो देखना ये होगा कि इस रिकॉर्ड को कायम रखती है कि तोड़ने में कामयाब होती है अरुण पाड़ावे स्ट्राइक पे गेंदबाज है रामा सबसे युवा गेंदबाज के रूप में अंतर्गा निजामपुर में आए थे और इस युवा गेंदबाज ने अपना एक अलग सा नाम अलग सी पहचान बनाई है लेफ्ट गेंदबाज है हालांकि बड़े बड़े गेंदबाज उन्हें पहचानते हैं हमारे मित्र जो कि सुनील जी बैठे हैं ये रामा को जानते ही होंगे उनके साथ खेले होंगे योगेश पेनकर जैसे खिलाड़ी के सामने भी वो खेल चुके तो निश्चित रूप से एक बड़े गेंदबाज के रूप में इस युवा गेंदबाज ने अपना नाम बनाया है फिर एक बार हल्के हाथों से खेल दिया डीप मिड विकेट पे क्षेत्र में फील्डर वहां पे मौजूद तब तक एक रन चुराते हुए बल्लेबाज अरुण पाड़ावे एक चार बॉल छह रन बनाकर खेल रहे एक चार रन के सहायता से यानी कि पूरी जिम्मेदारी का एहसास लेते हुए खेल रहे कप्तान और स्ट्राइक पे है उप कप्तान यानी कि कप्तान उप कप्तान दोनों अभी क्रीज पे मौजूद यानी कि उनके कंधे पर भारी जिम्मेदारी है यहाँ पर निश्चित रूप से रामा फिर एक बार फील्डिंग थोड़ी सी बदलाव करते हुए मंगेश खुद कप्तान मंगेश कड़ू पॉइंट पे फील्डर लाया है बड़ा शॉट इस बार धनंजय के बल्ले से डीप मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया हुक शॉट छह रन का इजाफा क्या संदीप दूसरी ओर चल रही है और 18 पे एक विकेट यह है स्कोर कार्ड सालवी डायमंड्स का इसी बीच अगली गेंद राम मोरे और ये बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन गुड लेंथ पे गेंद थी मिस कर गए विकेट कीपर के ग्लोव्स में रामा एक ऐसे उम्दा गेंदबाज है जिनको हर एक गेंद पर प्रयास करना हर एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता उन्होंने अपनी चतुराई अपनी काबिलियत साबित की है फिर एक बार शॉट गेंद रखी थी अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाना चाहते थे धनंजय लेकिन डीप मिड विकेट पे फील्डर वहां पर रखा है एक रन निश्चित रूप से एक रन के सहायता से स्कोर हुआ है एक विकेट के नुकसान पर 19 रन हालांकि दूसरी ओवर की एक अंतिम गेंद बाकी है देखना यह है कि दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पे कितने रन लगते हैं हालांकि 52 रनों का मैं एक मामूली लक्ष्य कहूंगा क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट बढ़ता गया है क्रिकेट की सोच बदलती गई है तो 6 ओवर में 52 रन अगर हम क्रिकेट टेनिस क्रिकेट देखते हैं तो काफी कम लगते हैं तो देखना यह है कि गेंदबाजी देने में कामयाब होती है हवा में गेंद जरूर यहाँ पर फील्डर गेंद के नीचे डीप मिड विकेट पे फील्डर वहां पे मौजूद डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर वहां पे मौजूद एक आसानी से कैच पकड़ते हुए दूसरा झटका जिसकी कोई जरूरत नहीं थी डीजे हेलो शौर्य संराज कर्णधार संतोष संसारे हेलो सॉरी अप्पा सत्वे शौर्य संराज कर्णधार अप्पा सत्वे आपली प्लेइंग इलेवन ची लिस्ट घेऊन लवकर यायचं आहे शौर्य सनरायझर्स अप्पा सत्वे दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हुआ है 19 पर 2
राजेश जी। और तीसरी ओवर लेके आ रहे राजेश दाबेकर। एक मिनट फक्त एक मिनट स्ट्राइक। आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक सन्माननीय उनका सामना करेंगे धनंजय यादव। वेळात वेळ काढून इथे उपस्थित झालेले आहेत। बढ़िया गेंदबाजी की बल्लेबाजी की उन्होंने। तीन गेंदों में सात रन किए। संयोजन समिति सदस्य गणेश मामुगडे यांना विनंती करतो की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा हृदय सत्कार करायचा आहे। अरे बड़े शॉट की कोशिश लेकिन मिस कर गए। जहाँ नीले जी इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है कि केवल मात्र 52 रनों का लक्ष्य है। दो ओवर के बाद आपने 19 रन लिए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकेट बना के खेलना होगा, बचा के खेलना होगा, एक बड़ी साझेदारी बनाने का प्रयास करने होगा। जैसे कि अरुण पाड़ावे एक बड़ा झटका लगने के बाद धनंजय के कंधे पे एक जिम्मेदारी आई है। हल्के हाथों से खेल दिया, गैप ढूंढने में कामयाब हुए, पॉइंट की ओर गेंद जाती हुई यहाँ पर चार रन के लिए कोई रोकने में नाकामयाब रहा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। पुढील समालोचकासाठी पुढील समालोचनासाठी मी विनंती करेल आमचे मित्र आमचे सहकारी दीपेजी माने यांना निजामपूर विभागातले सन्माननीय जबरदस्त असे अध्यक्ष निजामपूर विभागीय अध्यक्ष गोविंदजी कासार साहेब हे इथे उपस्थित आहेत। त्यांचा सत्कार करण्यासाठी विनंती करतो आमचे नियोजन समिति सदस्य प्रकाश कदम यांना। प्रकाश कदम थोड़ी देर में आपका फर्नीचर बचा के रखिए, आने वाले हैं दीपेज माने। फिर एक बार राजेश दाबेकर द्वारा अच्छी स्विंग मिलती हुई इसे गेंद को चकमा देते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाती हुई गेंद अंपायर द्वारा वाइट का इशारा। अतिरिक्त रन के सहायता से स्कोर वाइट 24 पे 2 रन आ रहे तेजी के साथ इस लक्ष्य के और बढ़ते हुए 22 पे 2 28 रन की 24 पे 2 22 गेंदों में 28 रन की जरूरत यानी कि आसान बनाता हुआ लक्ष्य। देखिए जिस तरह से खेल दिया, बेहतरीन शॉट यहाँ पर बल्ले का मुंह खोल दिया, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ताकत के साथ भेज दिया उसे 6 रन के लिए। काफी शानदार सिक्सर। सन्माननीय मंगेश उतेगर ऑन ड्राइव देखने को मिला धनंजय के बल्ले से। मंगेश उतेगर यांचा सत्कार केला जातोय। पुष्पगुच्छ देऊन राहुल दाबेकर त्यांचा सत्कार करतील। अप्पा सत्वे आलेले आहेत। काफी शानदार शॉट यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेला हुआ राजेंद्र थोड़े से महंगे साबित होते। फिर एक बार बेहतरीन शॉट कवर ड्राइव कर दिया 4 रन। नतीजा यहाँ पर बार बार स्पष्ट होता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 4 रन का इशारा अंपायर द्वारा 4 रन के सहायता से स्कोर हुआ है 24-34 पे 2। सन्माननीय जीत्याचे सुरेश कदम साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांचाही सत्कार केला जातोय। सुरेश कदम साहेब यांचा पुष्पगुच्छ देऊन हृदय सत्कार करतील गणेश भामुगडे। फिर एक बार महंगे साबित होते राजेंद्र धनेश पूरी जोश के साथ। एक युवा खिलाड़ी है निश्चित रूप से मैं कहूंगा अरुण पाड़ावे ने युवा खिलाड़ी को ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी रखी गई है। खुद अनुभवी खिलाड़ी और युवा खिलाड़ी दोनों का मिश्रण खूब रंग रहा रही है। कुंभ्याचे माजी सरपंच आमचे सुनील तेलंगे साहेबांचे पिताश्री तेलंगे साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांचाही हृदय सत्कार केला जातोय शाल। फिर एक बार बेहतरीन शॉट नजाकत से भरा हुआ शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से जाते हुए धनंजय के क्या खूबसूरत शॉट खेल दिया। पूरी तरह से मैच को अपनी तरह और झुकाने में कामयाब होते हुए धनंजय उपकप्तान की जिस तरह से जिम्मेदारी होती है गेंदबाजी में भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। केवल मात्र 10 रन देके 2 ओवर में 4 विकेट लिए थे और बल्लेबाजी में भी देखिए इस मैदान में लगता है धनंजय नाम का एक तूफान आया है। तुषार भरे भरे करके रूप में तूफान, जैसे कि तुषार भरे करके शब्द में कहूंगा तूफान, एक तूफान झंझावात। यानी हे आम्हाला मैदान उपलब्ध करून दिले ते आमचे बंधू रमेश पवार यांचा पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन सत्कार केला जातोय। मी विनंती करतो संतोष कुर्मे यांना की त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन हृदय सत्कार करायचा आहे। 40 रन स्कोर हुआ 2 विकेट के नुकसान पर इसे 40 रन में धनंजय ने बनाए है 27 रन। यानी कि एक तरफा एक बल्लेबाजी करते हुए अपने सालवी डायमंड टीम के लिए 9 गेंदों का सामना करते हुए 2
दो शानदार चौके और तीन बिग सिक्सेस के सहायता से स्कोर उन्होंने बनाया है 27 रन, यानी कि काफी शानदार 300 का स्ट्राइक रेट इस वक्त धनंजय द्वारा। 18 गेंदों में केवल मात्र 12 रनों की जरूरत यहाँ पर केवाईपी राइडर्स को यहाँ पर वापसी करने के लिए सन्माननीय काफी संघर्ष करना होगा। मोतीराम दबड़े साहेब यांचे इथे आगमन झालेले आहे। मोतीराम दबड़े साहेब यांचा सत्कार केला जातोय। मोतीराम मानकर साहेब सॉरी, इतना आसान नहीं है। राजू पार्टे यांना विनंती करतो, शाल पुष्पगुच्छ देऊन आपण त्यांचा हृदय सत्कार करायचा। मयूर कॅमेरामॅन मयूर यहां से वापसी करना। धन्यवाद हा शूरांचा नाही कुणाची डर, धन्यवाद हा शूरांचा नाही कुणाची डर, जबरदस्त खेळ दाखवायला आले हे केवायपी रायडर। जी हाँ, यहां पर केवायपी राइडर्स का गणेश जी मानकर को स्पॉन्सर बाय आयुषी वॉटर प्यूरिफायर। केवायपी राइडर्स का यहां पर मैच संपल्यानंतर आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर डीजे मैन की ओर से। यहाँ से वापसी करना इतना आसान नहीं है मेरे हिसाब से। 18 गेंदे शेष, धनंजय जैसे बल्लेबाज मैदान पे, केवल मात्र 12 रनों की यहाँ पर जरूरत, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ी मेहनत करनी होगी, यहाँ पर बड़ा संघर्ष करना होगा। रण भूमि है, रन का युद्ध है, उसका उद्घोष यहाँ पर किया है सभी खिलाड़ी ने, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको डटकर खेलना होगा, हौसला बुलंद रखना होगा। यहाँ पर उगते हुए सूरज को यहाँ पर नमन किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर इस युवा खिलाड़ियों को हम नमन करते हैं, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि उगते हुए सूरज को ही नमन किया जाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर युवा खिलाड़ियों द्वारा दर्शकों का मनोरंजन होता हुआ उनको साथ अनुभवी खिलाड़ी की ये एक मिश्रण एनपीएल 3 की ओर से हमें देखने को मिलता है नए रूप में, नए ढंग से, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी एनपीएल द्वारा। हेलीकॉप्टर शॉट वहां पर खेला, पॉइंट पे फील्डर मौजूद था, एक रन लेने से रोक नहीं पाए, एक रन के सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि दूसरा विकेट जाने के बाद 16 गेंदों में केवल मात्र 10 रनों की आवश्यकता। अरुण पाड़ाव के बाद जो धनंजय ने बल्लेबाजी की है यहां पर काबिले तारीफ बल्लेबाजी, बेहतरीन शॉट यहां पर ऑफ ड्राइव कर दिया, कवर पे फील्डर, एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर वहां पे मौजूद था, लेकिन एक आसानी से क्या छोड़ दिया। फिर एक बार आपको फील्डिंग में सुधार करनी होगी, ये इतनी आसानी से जीत नहीं मिलती है, क्योंकि जीत के लिए आपको काफी संघर्ष करना होगा, गेंदबाज को सहायता देनी होगी, मदद करनी होगी आपको, गेंदबाज का हौसला बुलंद करना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पर, तभी गेंदबाज अपना हुनर दिखाने में कामयाब होगा। फिर एक बार धनंजय द्वारा हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास, समझ नहीं पाए गेंद को, गेंद विकेट कीपर के शरीर से टकराती हुई, लेकिन रन लेने में कोई यहाँ पर जल्दबाजी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पर, जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है सालवी डायमंड, लेकिन यहाँ पर नेट रन रेट से जीतने की एक बड़ी यहाँ पर कोशिश हो सकती है। हवा में गेंद जरूर, फील्डर गेंद के नीचे, भारी किनारा लगा गेंद का, इस बार एक खूबसूरत पारी का अंत होते हुए धनंजय के रूप में तीसरा विकेट का पतन होते हुआ। एक बेहतरीन एक उपकप्तान की पारी की समाप्ति यहाँ पर हुई, शानदार पाली पारी, प्रशंसा के हकदार रहे धनंजय, गेंदबाजी में भी कमाल किया तो और बल्लेबाजी में भी धमाल कर दिया, ऑलराउंडर भूमिका पेश करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतने आसानी से धनंजय ने यहाँ पर ऑलराउंडर भूमिका पेश की, तो निश्चित रूप से एक बड़े खिलाड़ी के रूप में वो सामने आ रहे, ये एक अच्छी बात है सालवी डायमंड्स के लिए। स्ट्राइक पे आए हैं राजेश, सुशांत नॉन स्ट्राइक पे, स्ट्राइक पे राजेश, गेंदबाज है रामा, शॉर्ट गेंद यहां पर समझ नहीं पाए, अतिरिक्त ऊंचाल मिलती हुई गेंद को, डीप मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई, स्कोर रुका हुआ, चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 43 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, यानी कि अभी भी 9 रन की आवश्यकता, हालांकि 18 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता थी।
रामा ने केवल 3 रन दिए, यानी कि 12 गेंदों में बचे हैं 9 रन। रामा ने तो ये दिखा दिया है कि इतना आसान तरीके से जीत हासिल करने नहीं देंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर शुभ संकेत हो सकता है केवाईपी राइडर्स के लिए, 3 रन देना देखना उचित होगा। अच्छी गेंदबाजी की धनंजय जैसे बल्लेबाज को पैवेलियन में वापस भेजने में कामयाब हुए। 12 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता, रामा ने केवल 3 रन दिए। आए हुए बल्लेबाज को भी रामा की जैसी गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर जरूरत भी नहीं है बल्लेबाज को कि बड़े शॉट खेलना, यहाँ के संयम रखना चाहिए, अपना मनोबल को बरकरार रखना चाहिए, आत्मविश्वास को यहाँ पर कायम रखने की जरूरत है, वो है बल्लेबाज को। स्ट्राइक पे बल्लेबाज है सुशांत, एक जबरदस्त खिलाड़ी है सुशांत, समझदारी के साथ अक्सर खेला करते हैं, तो निश्चित रूप से आज उनको समझदारी दिखाने का एक मौका यहाँ पर आया है। सालवी डायमंड को एक पहली जीत दर्ज करने में एक अपना हाथ बढ़ाने का एक मौका यहाँ पर सुशांत को आया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक प्रयास जरूर होगा केवाईपी राइडर्स को कि यहाँ पर जो प्रेशर है, दबाव है, वो बल्लेबाज के ऊपर बढ़ाया जाए। इसी हिसाब से यहाँ पर फील्डिंग सजाते हुए पॉइंट फील्डर रखा है, कवर पे फील्डर रखा है, एक गली में फील्डर मौजूद है, डीप पॉइंट पे भी फील्डर रखा गया है, तो निश्चित रूप से ये सोच है कि ऑफ अटैक रखा जाएगा और उसी हिसाब से विकेट लेकर एक हल्का सा दबाव बनाया जाएगा। गेंदबाज द्वारा राजेश ओमकार गुरव गेंदबाजी करने के लिए तैयार, क्षमता उनके अंदर भी है अच्छी गेंदबाजी करके यहाँ पर दबाव बनाने की, तो निश्चित रूप से उस अपने अंदर जो टैलेंट है, हुनर है, उसको यहाँ पर पूरी तरह से दिखाने की जरूरत। इस बार केवाईटी राइडर्स के गेंदबाज का धीमी गति की गेंद, उसे खेल दिया, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रन के लिए, अंपायर के हाथ ऊपर 6 रन का इशारा। काफी शानदार शॉट खेली, अतिरिक्त उछाल मिलती हुई गेंद को परखने में कामयाब हुए और उसे भेज दिया 6 रन के लिए। काफी महत्वपूर्ण ये 6 रन सुशांत द्वारा सुंदरता के साथ फिर एक बार खेला, लेकिन इस बार फील्डर के ऊपर से 4 रन और इसी के साथ पहले दर्शक जीत दर्ज करने में कामयाब होते हुए सालवी डायमंड एक अच्छे नेट रन रेट के साथ, मैं कहूंगा नेट रन रेट के साथ मैं कहूंगा इस जीत के हक।